आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो दिल वाले का शाहरुख नहीं है और ना ही हम सरसों के खेत में खड़े हैं। छड़ मेरा दुपट्टा। विद्यालय के लिए अनुदान मिलने वास्ते हमें हमें कुछ नई तकनीकों के बारे में सोचना होगा जो हम विद्यालय में इस्तेमाल कर सकें। और यह अनुदान सिर्फ आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं, आज भी पिंड के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सही शिक्षा मिलेगी ना तो हम कम साधनों में ज्यादा पैदावार कर सकते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कर सकते हैं। रनु, ये तकनीकी विकास से हमारा की फायदा होना है? खेती बाड़ी कोई डॉक्टरी तो है नहीं जिसके वास्ते पढ़ाई दी लोड पे, और इन वर्षों से बारिश का पानी हमारे खेतों की फसलों को पानी देता आया है, और मान लो नहर आ भी गई, उसका पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा? रणवीर पुत्र, आज तक जमीन की जो खुदाई है वो हमने अपने हाथों से की है, फिर ट्रैक्टर से, और ज्यादातर जमीन का जो खाद है वो हमने खुद बनाया है और भी अच्छी क्वालिटी का। ये तकनीकी विकास वाला की बदलाव लाएगा हमारे खेतों में? भाई, मुझे तो ऐसा फालतू के चौसले लगते हैं। मैंने तो लगता है कि इस तकनीकी विकास से अपने पिन का कोई फायदा नहीं होने वाला। सही बात, उल्टे फालतू के झंझट और पैसे के खर्चे होने। सही गल। नहीं जी, ऐसा नहीं है। भले ही नहर से पानी निकालने में शिक्षा का कोई योगदान ना हो, लेकिन कौन से पौधे को कौन सी खाद देनी है, कितना पानी देना है, सबका लाभ है। रणवीर पुत्र, जिंदगी बिता दी है हमने इन जमीनों में, तेनु की लगता है अब ये किताबें सिखाएंगी हमें खेतों के बारे में? और रणवीर तो कहना चाहता है कि हमारे बाप दादा जो इतने वर्षों से मेहनत करके फसलें तैयार की वो सब ऐसे ही है, और हमने जो भी उनसे सीखा है वो सब उसका कोई मतलब नहीं है। सही कह रहे आप। के फसल उगाने की कोशिश कर रहा है कि करण, तू इतने कब आई? पूरा एक घंटा हो गया। वैसे तो इतना खोया खोया है, अगर सच में भी एक घंटा होता ना तो तुम्हें पता नहीं चलता। कुंजन, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा की करा कि फसल बेहतर हो। कुछ आया दिमाग में? फिकर मत कर, आ जाएगा। मैंने तेरे वास्ते लाजवाब खाना बनाया है, और ये खाने के बाद दिमाग यूं सपड़ सपड़ दौड़ने लगेगा। चरण भी, उन्हें बाजार जाना है, मैं चलती हूँ। तो दिल वाले का शाहरुख नहीं है और ना ही हम सरसों के खेत में खड़े हैं। छड़ मेरा दुपट्टा।
एक केड़ी गल हुई, अभी अभी तो मैं रणवीर से मिल के आई हूँ, फिर क्यों मैंने उसकी याद इतनी सता रही है? मैं प्यार भी ना बड़ी अजीब ही चीज होती है, जब तक अपने बेवकूफ दिल ना समझा लूं, उसकी आवाज ना सुन लूं, तब तक इसे शांति नहीं मिलने वाली। ठीक तो है ना? वो जोर से तो नहीं लगी? मर रही, बहुत दर्द हो रहा है मेनू। चल मैं तनु सारथी के घर छोड़ के आती हूँ। चाची जी मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, मेरे पापा जी का घर यहाँ से पास है, आप मैंने वहाँ तक चढ़ दोगे? चल ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब हम पैरों की थाप सीख लें। हाँ हाँ चलो जी। तो ये पैर ऐसे है और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे नहीं, ये पैर उधर ये पैर इधर, ऐसे एक पैर इधर एक पैर इधर, फिर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हो जाएगा कर लूंगी मैं। हाथों की मुद्रा सीख लेते हैं। हाँ हाथ की, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अब ऐसे नहीं ये, ये ऐसे, एक दो तीन चार। गुंजन उतर क्यों हो गए? पापा जी बाजार से लौटते वक्त मेरे पैर में मोच आ गई, तो मैंने सोचा पास ही में थी तो यहाँ आकर दवाई लगा कर फिर अपने घर चली जाऊंगी। चंगा कितना जो यहाँ आ गई, लेकिन ये क्या लगा रखा मेरा घर, मेरा घर, ये तेरा अपना घर नहीं है, है? और पुत्र ध्यान रखना चाहिए ना। तो कोई ना, बैठ बैठ, मैनू दस की होया है। बहुत दर्द है, कोई ना पुत्र तू यहां बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेके आता हूं। सरपंच जी रुको, अलमारी में पड़ी मैं ही ले आती हूँ। हाँ लेके आओ छेती करना। मैं आई थी तो यही थी, अचानक कितने चली गई? कौन सोनी है? ओ जी वो कुड़ी जो मैनू पार्क नाटक सिखाने आती है ना, वो अपने पिंड के अस्पताल में नई डॉक्टर नहीं, अभी तो यही थी, पता नहीं अचानक कितने चली गई बिना बताए। ओहो लेकिन आप दवाई तो लेके आओ। हाँ हाँ मैं होने ले। बहुत ये तो सूझने लग गया है, कोई ना दवाई लगा के ना पट्टी कर देंगे, अभी तू यहीं आराम कर थोड़ी देर। अरे गुंजन कहते नीचे भी नहीं दिखाई दी वो। अरे विराकड़ी तू कितने चले गई थी? वो वीर जी दरअसल ना करनाल में किसानों का रिसर्च सेंटर है। हाँ उसके उसके बारे में मालूम है मैनू, बड़ा मशहूर है ना वो। तो मैं वहाँ गई थी। वीरा तू तू करनाल गई थी? इतनी वीरा तू अकेले क्यों गई थी, मैनू क्यों नहीं बताया तूने? ओहो वीर जी आप कब तक मैनू इतनी सी समझते रहेंगे, इतनी बड़ी हो गई हूँ अब मैं, देखिए हो गई हूँ ना बड़ी। और वैसे भी वीर जी करनाल इतनी दूर थोड़ी ना, पास ही तो है, जाकर आ गई। अब सब कुछ छोड़िए काम की बात सुनो। वो वीर जी मैं वहाँ गई थी, बाकी वो रिसर्च सेंटर ना बहुत ही अच्छा है, काफी सारी नई तकनीकों के बारे में भी पता चला मैंने, रिसर्च वालों से बात की, प्रोफेसर से बात की, अच्छा काम चल रहा है वहाँ पर। लेकिन वो ये है ना वीर जी, जिन भी तकनीकों का इस्तेमाल वो भी कर रहे हैं ना, वो हमने वैसे ही अपने विद्यालय में रखी हैं, और ये सारी तकनीकें उन अनुदान वालों को इम्प्रेस नहीं कर पाई, मतलब
हमें कुछ और भी खास और नया सोचना होगा। वीर जी अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसको दिखाकर हम उन्हें ये साबित कर पाए कि हमारे विद्यालय में कुछ नया होगा, कुछ खास होगा। हाँ वीरा, लेकिन इस सबके साथ एक और मसला। आज मैंने पिंड के कुछ किसानों से बात की, उनसे बात करके मैंने पता चला कि उनका खेती बाड़ी की तकनीक में विकास लाने में कोई ज्यादा सहायकता नहीं है। उनका यह मानना है कि उनके बाप दादाओं के जमाने से जो जैसे खेती हो रही है, जो फसल उगाने का तरीका है, वही सही और आसान है। उनके लिए ऐसा वक्त बर्बाद करना और ऐसे खराब करने जैसा है। वीरा, छुईने समय से चले आ रहा है, उसको बदलना इतना आसान नहीं है। हमें सबसे पहले उनकी सोच बदलनी होगी। उनको समझाना होगा कि नई तकनीक से कितना फायदा है, पूरे पिंड का कितना फायदा है। हाँ वीर जी, है तो ये एक चैलेंज, लेकिन फिक्र मत कीजिए। जानते हैं, हम दोनों साथ मिलकर ना इसका भी सामना कर लेंगे, सारे पिंड वालों को समझा देंगे। लेकिन फिलहाल वीर जी, एक नई तकनीक का आइडिया ढूंढना ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाना है। हाँ वीरा, मैं तकनीक की खोज में ना तेरी पूरी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले ढूंढ ला कि तेरी भाभी कित्थे है। हाँ। आता हूं। क्या किया जाए, कुछ नया। You Indians are really great. There is one Indian farmer back home in Poland. He's using wonderful farming techniques. उन foreigners ने बताया था कि पोलैंड में एक बंदा है जो जो हिंदुस्तान का होकर कमाल किए जा रहा है खेतों के मामले में। मैंने उस बंदे को सर्च करना चाहिए इंटरनेट पर। अगर इससे बात हो पाए, हो सकता है ये हमारी प्रॉब्लम का हल निकाल दे। ना रसोई में है, ना कमरे में, गई कहाँ थी गुंजन? अरे गुंजन, तू ऐसे क्यों चली, क्यों आया तेनू? कुछ नहीं रणवीर, वो बाजार से लौटते वक्त मेरे पैर में मोच आ गई थी। मोच? इसलिए मैं पापा जी के यहाँ चली गई थी। अब ठीक है मेरा पैर, और बस थोड़ा सा दर्द है। गुंजन, तू वहां से अकेले क्यों चली आई? मैंने एक फोन करती थी ना, मैं तेनू लेने आ जाता। इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऐ छोटी मोटी चीज के लिए तो अपना काम छोड़ के आए। गुंजन, तेरे छोटे सा छोटा दर्द भी ना मेरे लिए बहुत बड़ा है, याद रखी। कोई नहीं देखेगा, और अगर कोई देखेगा तो कह दूंगा। तेरे पैर में चोट लगी है, और मैं एक पति का फर्ज निभा रहा, अपनी प्यारी सी बीवी को उठा के। पता है रणबीर, जब मैं घर गई थी वहाँ सोनिया भी थी, वो बीजी नो वो भरतनाट्यम होता ना, वो सिखा रही थी, और हम में से कोई से ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, इस वास्ते वो चली गई वहाँ से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।